भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा अगर खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी की बेल लगाई। बेल की एक लौकी को, जब वो बहुत छोटी थी, किसान ने एक बोतल में डाल दिया। बेल की सारी लौकियां अपने सामान्य आकार में बढ़ने लगी, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बोतल की दीवारें लौकी की हदें बन गईं और अपनी हदों से ज़्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हम अपनी सोच के दायरों से ज़रा भी आगे नहीं बढ़ पाते। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है। हेनरी फोर्ड कहते हैं, यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और यदि आपको अपनी असफलता पर विश्वास है तो भी आप सही हैं। सच में बात तो विश्वास की ही है। हमें अपनी सोच के दायरों को तोड़ना होगा, अपनी काल्पनिक हदों से बाहर निकलना होगा। खुद पर विश्वास तो करिए। अगर हमें ही अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी चुनी हुई राहों पर भरोसा नहीं है तो कोई और कहीं से नहीं आएगा जो हमें आगे ले जाएगा। खुद पर भरोसा, इसी अद्भुत शक्ति के बदौलत बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। कोलंबस जब अपने दल के साथ नई दुनिया की खोज में निकले थे तो इस आत्मविश्वास के साथ निकले थे कि वो नई दुनिया की खोज करके ही लौटेंगे। उनके आत्मविश्वास ने उनके अंदर इतना जोश भर दिया था कि उन्हें यकीन था कि वो अपने मिशन में कामयाब जरूर होंगे। यात्रा आरंभ हुई और जब राह में रुकावटें आने लगी तो साथी घबराए, कोलंबस से बोले, लौट चलो कोलंबस, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जान से भी हाथ धो बैठोगे, खुद तो डूबोगे ही हमें भी डुबाओगे। मगर कोलंबस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें तो यकीन था कि वो नई दुनिया की खोज करके ही रहेंगे। कुछ समय और गुजरा, साथी और बेचैन हुए, कोलंबस से बोले, कोलंबस अब हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, मरो खपो अकेले ही जाओ। मगर कोलंबस अपने इरादों से नहीं हटे। कोलंबस को एहसास भी होने लगा था कि उसे जान से मार देने की साजिश होने लगी है, मगर कोलंबस के अंदर तो यह विश्वास घर कर गया था कि एक ना एक दिन उन्हें उनकी मंजिल जरूर मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जलपोत की छत से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो चिल्लाए, हमने अपनी मंजिल पा ली है, हम सफल हुए। अब तो साथी भी उनका गुणगान करने लगे। एडिसन, सोचिए उन्हें खुद पर कितना भरोसा होगा। एडिसन बल्ब बनाने के अपने प्रयोगों में 10,000 बार असफल हुए। 10,000 बार। वो एक बार असफल हुए, वो 2 बार असफल हुए, वो 3 बार असफल हुए। चलिए ऐसे गिनती करते हैं, पूरे 100 बार। हम 100 बार गिनती करते करते थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, पर एडिसन 10,000 बार इस असफलता से गुजरे। फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित किया होगा? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनमें ऊर्जा भर रही थी इतनी असफलताओं के बावजूद भी? वही जादुई आत्मविश्वास की शक्ति। उन्हें खुद पर भरोसा था। वो देख पा रहे थे एक बल्ब जलता हुआ, रोशनी देता हुआ, दुनिया को प्रकाशित करता हुआ। वो भरोसा लाजवाब था। सोचिए अगर वो हार मान लेते तो क्या होता। सोचिए कोलंबस हार मान लेता तो क्या होता। दुनिया ऐसे कई उदाहरणों से भरी हुई है जिनके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, समस्याएं आई, पर वो डिगे नहीं। खुद से प्रश्न करते हैं, हम अपने आप से चाहते क्या हैं? हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है? अगर मन में यह विश्वास है कि हम अपनी चाहत को पूरा कर लेंगे तो यही तो आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखिए, इससे डिगे नहीं,
फिर जीत हमेशा हमारी होगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।